तो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीएस चैनल। आज के इस वीडियो में देखेंगे जीईएस पेपर यानी जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो फाइनल एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। तो वीडियो मध्य तक बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जीएस चैनल का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रदूषण किस प्रकार का होता है, निम्न में से प्रदूषण किस प्रकार का होता है बताना है। ठीक है, तो सभी जो है कमेंट करके बताएंगे हमें कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। किस प्रकार का प्रदूषण होता है तो सभी प्रकार का। ठीक है, वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है। ठीक है ना, तो सभी याद रखेंगे प्रदूषण किस प्रकार का होता है आपसे पूछेंगे तो आप सभी का जो है बोलेंगे उपयुक्त सभी। डी जो है इसका राइट आंसर आएगा, याद रखेंगे सभी। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु प्रदूषण किसके कारण होता है, निम्न में से वायु प्रदूषण किसके कारण होता है बताना है आपको। बताएंगे सभी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण किसके कारण होता है। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, उद्योग के भी वजह से हमें जो है वायु प्रदूषण होता है, वाहनों के इस्तेमाल से और कारखानों के धुआं से भी। ठीक है, तो ये डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, उपयुक्त सभी याद रखेंगे। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल प्रदूषण क्या कहलाता है, निम्न में से जल प्रदूषण जो है क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा तो फटाफट जो है आंसर इसका बताना है आपको। ठीक है, वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्वनि प्रदूषण किसे कहा जाता है, ध्वनि प्रदूषण जो है किसे कहा जाएगा। ऑप्शन में दिया गया है, कमेंट करके बताना है आपको। बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है इजी है तो बताना है आपको कमेंट करके। ठीक है, चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है, प्रदूषण का प्रभाव जो है क्या होता है, इनमें से बताना है आपको। बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प। ठीक है, उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, पर्यावरण के लिए हानिकारक और जीवन के लिए हानिकारक। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रदूषण का प्रभाव क्या क्या रहता है तो स्वास्थ्य पर भी जो है हानिकारक पड़ेगा, पर्यावरण पर भी रहेगा और जीवन पर भी जो है प्रभाव डालेगा ये। ठीक है, चलिए वहीं पर अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है, प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रभाव निम्न में से क्या है बताना आपको। बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है। तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, सबसे बड़ा प्रभाव की हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो जलवायु में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु प्रदूषण के कारण क्या है, निम्न में से वायु प्रदूषण के क्या कारण है, इसका सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का भी जो है आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएंगे। ठीक है, चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, प्रदूषण का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है बताएंगे सभी। ठीक है, प्रदूषण जो होता है उसका प्रमुख स्रोत क्या क्या है। इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इजी है, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं तो बताना है आप सभी को। ठीक है, चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है, जल जो प्रदूषण होता है उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है बताना आपको। बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है, जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है तो बताना आपको। बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो बताना आप लोगों को कमेंट करके इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। चलिए तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके बताना है सभी को। ठीक है, चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रदूषण का सबसे बड़ा खतरा क्या है, प्रदूषण का सबसे बड़ा खतरा क्या है बताना है आपको। बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए
जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अस्थाई प्रभाव। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, अस्थाई प्रभाव। याद रखेंगे अस्थाई प्रभाव जो है इसका सबसे बड़ा खतरा है क्या, प्रदूषण का। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है। ठीक है, किस पे होता है, किस पे पड़ता है बताना आपको। प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रभाव जो है किस पर पड़ता है बताएंगे सभी। चलिए इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी पर डायरेक्टली जो है सबसे बड़ा प्रभाव की हम बात करेंगे तो जो है पृथ्वी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे पृथ्वी। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।